नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियम कार के लिए प्रीमियम टायर्स के बारे में। यानी अगर आपके पास कोई प्रीमियम कार है, उसके लिए प्रीमियम टायर कौन सा बेस्ट रहेगा, किस कंपनी का, किस पैटर्न का, किस डिज़ाइन का, और कौन सा मॉडल आपकी कार के लिए बेस्ट रहेगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, टायर गाड़ी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और कभी ना कभी वो हमें चेंज कराना भी पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे टायर वियर आउट होता है, घिसता है, या टाइम के हिसाब से उसे चेंज कराना पड़ता है। कई बार इमरजेंसी में टायर कट जाता है या फट जाता है, उस केसेस में भी हमें टायर चेंज कराना पड़ता है। तो हमारी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट रहेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टायर्स कब चेंज कराएं। तो देखिए, टायर्स एक रबर पार्ट है, और टाइम के हिसाब से अगर देखें तो 5 साल के बाद चेंज करा देना चाहिए टायर, क्योंकि टायर्स के जो कंपाउंड है, रबर कंपाउंड है, टाइम के हिसाब से उसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कम होने लगती है, जिससे हमारी गाड़ी की हैंडलिंग पे फ़र्क पड़ता है, हमारी सेफ्टी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो टाइम के हिसाब से 5 साल के बाद आपको टायर्स चेंज करा देना चाहिए, भले ही वो आपका टायर घिसा हुआ नहीं है या कम घिसा है, तो 5 साल के बाद चेंज करा देना चाहिए। दूसरा होता है टायर कितना घिस चुका है। इसको हम कैसे चेक करें, तो हर टायर में एक टायर वियर इंडिकेटर होता है। जब ये टायर वियर इंडिकेटर उस लेवल तक हमारा टायर घिस जाता है, हर एक निश्चित दूरी पर टायर वियर इंडिकेटर होता है, और टायर वियर इंडिकेटर घिस जाती है, तो समझ लेना कि टायर्स हमें चेंज कराने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा टायर्स के बारे में जानते हैं। तो टायर्स वैसे डिजाइन के हिसाब से 3 तरह के होते हैं, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और डायरेक्शनल। सिमेट्रिक में एक सिंपल टायर होता है, जो आप किसी भी गाड़ी में उसके साइज के हिसाब से लगा सकते हैं, और कहीं भी लगा सकते हैं, और उसे कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। यानी उसका जो पैटर्न्स है वो एक सिमिलर होता है, एक बराबर होता है दोनों तरफ। नॉर्मल टायर, सिमेट्रिक टायर ही यूज होते हैं। दूसरा होता है एसिमेट्रिक टायर। इसमें क्या होता है, आधा जो पोर्शन है टायर का, जो पैटर्न है, वो आधा अलग डिजाइन का होता है और आधा अलग डिजाइन का होता है। यानी बैड ग्रिप और ड्राई ग्रिप के लिए दोनों तरह से उसको डिजाइन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक टायर। जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड में चलती है, या हाईवे पर ज़्यादा चलती है, या कहीं सूखे में, या कहीं पानी वाली जगह पर चलती है, बर्फ़ में चलती है, उस कंडीशन में आप सिमेट्रिक टायर ज़्यादा अच्छे रहते हैं। दूसरा हो गया डायरेक्शनल टायर। डायरेक्शनल टायर होते हैं जिनका डिजाइन एक विशेष तरह से बनाया जाता है, यानी बेल्ट ग्रिप उनकी बहुत अच्छी होती है, यानी जो रोड से जो कॉन्टैक्ट होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, उनका जो डिजाइनिंग है वो इस तरह से किया जाता है कि जो रोड की ग्रिप है, बेड यानी पानी में भी वो अपनी जो ग्रिप बना के चलता है, ब्रेकिंग पावर अच्छी रहती है, और जो पानी उसके नीचे आता है टायर के नीचे, वो साइड से निकल जाता है, यानी ज़्यादातर वी शेप में उसकी डिजाइनिंग होती है। लेकिन ऐसे टायरों का नुकसान ये रहता है कि रोटेट करते टाइम ये राइट का टायर आगे पीछे ही हो सकता है, लेफ्ट का लेफ्ट में ही आगे पीछे हो सकता है, क्रॉस में, या वैसे इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिजाइनिंग के हिसाब से। अब होता है पैटर्न के हिसाब से। तीसरा जो टायर है वो पैटर्न के हिसाब से होता है, कि हमें किस पैटर्न का डलवाना चाहिए, यानी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा चलते हैं, तो ऑफ रोडिंग के लिए अलग टायर्स आते हैं, जैसे ET यानी ऑल ट्रेन टायर, MS मॉडर्न स्नो टायर। तो इस तरह से पैटर्न बना होता है टायर का, उस हिसाब से टायर को डिजाइन किया जाता है कि किस कंडीशन में टायर को चलना है,
ऑफ रोडिंग चलना है, हाईवे पर चलना है, सिटी में चलना है, उस हिसाब से पैटर्न का डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियम कार के प्रीमियम टायर्स के बारे में। मेन बात आती है कि किस कंपनी का टायर डलवाना चाहिए अपनी प्रीमियम कार के लिए जो प्रीमियम क्वालिटी का हो। तो प्रीमियम क्वालिटी के जो टायर हैं मैंने वो तीन कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जिससे आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी गाड़ी की जो रनिंग है या जो गाड़ी आपके पास, कौन सी गाड़ी है। प्रीमियम कार्स में भी बहुत सी गाड़ी होती हैं, जैसे ऑडी, मर्सिडीज़। प्रीमियम कार्स का मतलब है जिसमें, जिस कार में आपकी मूलभूत सभी सुख सुविधाएँ मौजूद मिलती हैं, वो प्रीमियम कार्स के उसमें आती हैं। वैसे जो नॉर्मल कार होती है जिसमें किसी में एसी है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, या कोई और एयरबैग्स, सेफ्टी फीचर्स हैं तब भी चलेगा, हैं तो तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन प्रीमियम एक कार होती है उसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, जहाँ कंफर्ट की बात करें, सेफ्टी फीचर्स की बात करें, या आपके सुख सुविधा की उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्रीमियम कार्स में आती हैं। तो प्रीमियम कार्स के लिए कौन सा टायर, कौन सी कंपनी का टायर अच्छा रहेगा, वो आपके हिसाब से हमने तीन कैटेगरी बनाई हैं, जो आपके बजट के हिसाब से भी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हैं, और आपके कंफर्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर तीन कैटेगरी में टायर्स को बांटा है। तो सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में हमने चार कंपनियों को रखा है। सबसे नंबर वन पर मिचलिन, उसके बाद ब्रिडस्टीन, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल, और उसके बाद योकामा। चार जो कंपनी हैं इनको हमने रखा है पहली कैटेगरी में। सबसे पहले बात करते हैं मिचलिन टायर्स की। देखिए, मिचलिन टायर्स एक फ्रांस की कंपनी है और नंबर वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है, जो अच्छी क्वालिटी के टायर बनाती है, कंफर्टेबल, फ्यूल एफिशिएंसी और सभी तरह की परफॉर्मेंस अच्छी, एक गुड परफॉर्मेंस टायर बनाती है। इसका जो रबर कंपाउंड है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और उसमें रबर कंपाउंड में एक सिलिका मटेरियल होता है जिसमें ज़्यादा परसेंटेज में सिलिका यूज होता है, जिससे टायर को कंफर्टेबल बनाया जाता है। मिचलिन में जो मॉडल्स की बात करें तो इसमें प्राइम एसी आता है और एक LTX ट्रेल के नाम से आता है। ये दोनों जो मॉडल हैं वो अच्छे हैं, वैसे और भी मॉडल आते हैं उसमें। इसी क्वालिटी में दूसरा टायर है ब्रिडस्टीन। ब्रिडस्टीन के बारे में बात करें तो ये एक नीदरलैंड की कंपनी है, जो यूरोपीय देशों की नंबर वन कंपनी है, और उसकी ब्रेकिंग पावर, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। इसको वैसे इंडिया में 2009 से अपोलो कंपनी ने टेक ओवर किया हुआ है, यानी अपोलो कंपनी ही इसको बना रही है इंडिया में और सेल कर रही है। तो मिचलिन से सेकंड जो अच्छा टायर है वो ब्रिडस्टीन आप ले सकते हैं अपनी प्रीमियम कार्स के लिए। इसी कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में तीसरा नंबर का जो टायर है वो कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल जर्मनी की कंपनी है और एक बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल और रोड ग्रिप के हिसाब से टायर को बनाया जाता है। ये जो पहली कैटेगरी में है, जो सभी टायर हैं वो इनमें रोड नॉइज ना के बराबर होती है, तो रोड नॉइज के मामले में भी, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में, या आपकी रोड ग्रिप के बारे में, रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में, ये सारे टायर बहुत अच्छे माने जाते हैं। चौथे नंबर पर जो टायर है वो है योकामा। योकामा जो एक जैपनीज कंपनी, योकामा जैपनीज टायर है और बहुत ही अच्छा टायर बनाती है, फ्यूल एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी और आपकी रोड ग्रिप, ये सारी अच्छी क्वालिटी की उसमें मिलती हैं। योकामा में अर्थ वन
करके एक मॉडल आता है, वो बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में आप अपनी प्रीमियम कार्स के लिए कौन सा टायर डलवा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है अपोलो। यानी अपोलो एक इंडियन कंपनी है और बहुत ही अच्छे टायर बनाती है इंडियन रोड्स के हिसाब से। हर साइज में आपको हर व्हीकल्स के लिए टायर मिलेंगे, और इसमें जो हमारी प्रीमियम कार्स हैं उसके लिए आपको अपोलो अलनेक या अपोलो एप्ट्रा मॉडल, दो मॉडल आते हैं, ये मॉडल में टायर्स मिलते हैं। यानी जो प्रीमियम कार्स के लिए जो मॉडल जो टायर डिज़ाइन किया जाता है वो अपोलो अलनेक और अपोलो एप्ट्रा। तो इसी में दूसरे नंबर पर जो टायर है वो है आपका ब्रिजस्टोन। यानी ब्रिजस्टोन एक बहुत ही अच्छा टायर है। पहली कैटेगरी के जो टायर थे वो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के हैं वो आप एक लो प्राइस में भी अगर जाना चाहते हैं तो सेकंड कैटेगरी के टायर बहुत अच्छे माने जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी के मामले में, रोड ग्रिप के मामले में या आपकी ब्रेकिंग पावर, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं। इसी में तीसरे नंबर पर जो टायर आता है वो MRF है, जो इंडियन का एक लार्जेस्ट कंपनी है, एक पुरानी कंपनी है जो सभी तरह के टायर्स बनाती है, सभी व्हीकल्स के टायर्स बनाती है, और अच्छा उसका जो टायर का रबर कंपाउंड है वो माना जाता है इंडियन रोड के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादातर MRF अपोलो के टायर मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है और इंडियन रोड्स के हिसाब से वो बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के टायर्स के बारे में, जो अपनी प्रीमियम कार्स में वो भी आप डलवा सकते हैं। इनको एक बजट टायर के तौर पर कह सकते हैं। टायरों की जो क्वालिटी है थोड़ी सी उनसे रोड नोज थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हार्ड कंपाउंड मिलेगा जिससे हमारी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। थोड़ी सी जो कंपनी की वारंटी रिप्लेसमेंट की जो पॉलिसी है वो थोड़ी अच्छी है, यानी इसमें 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी भी मिल जाती है। आपका जो दूसरी जो कैटेगरी के टायर हैं उनमें जैसे अपोलो है उसमें भी 2 साल की वारंटी आपको मिल जाती है अनकंडीशनल, और 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसमें आपका टायर किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, उस केसेस में आपको वो रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से हार्ड कंपाउंड है, अच्छा गड्ढे वड्ढे में कहीं भी आप चला सकते हैं, तो इस तरह से उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है और थोड़ा सा रोड नॉइज की प्रॉब्लम इसमें रह सकती है। तो इसमें पहले नंबर पर जो टायर है वो है सीएट। सीएट में सिक्योरा ड्राइव करके एक टायर आता है जो प्रीमियम कार्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उससे और ऊपर एक सिक्योरा स्पोर्ट ड्राइव करके भी आता है, वो भी अच्छा टायर है। यानी दोनों ये जो मॉडल्स हैं ये अच्छे माने जाते हैं और यही ज़्यादातर प्रीमियम कार्स में लगकर आते हैं और लगाए जाते हैं। दूसरा जो इसमें कंपनी है तीसरी कैटेगरी में वो है गुडियर। गुडियर USA की कंपनी है और एक बहुत ही अच्छी मानी हुई कंपनी है। ड्यूरेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, थोड़ा कंफर्ट भी मिल जाता है इसमें, लेकिन और बजट के हिसाब से ये थोड़ा सस्ते में भी आपको मिल सकता है। यानी आपके बजट के हिसाब से ये एक अच्छा टायर है। बाकी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये थोड़ा जल्दी ख़राब होने लगता है। यानी जो इसका रबर कंपाउंड है वो थोड़ा जल्दी ख़राब होने लगता है, ड्राई होने लगता है, जिससे इसमें बल्जेस की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यानी 2 साल तक ये अच्छा काम करता है, 2 साल के बाद इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। चौथे नंबर पर जो टायर कंपनी है वो है JK। JK इंडियन ब्रांड है और इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे टायर्स बनाती है, सस्ते टायर्स बनाती है, ड्यूरेबल टायर्स बनाती है। थोड़ा सा इनमें यही है कि प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा रोड नॉइज होती है, केबिन में जो टायर नॉइज आती है वो आती है। थोड़ा सा टाइम के हिसाब से ये जल्दी इनका जो रबड़ कंपाउंड है वो ख़राब होने लगता है, डैमेज होने लगता है, जिससे आपकी हैंडलिंग
में प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई प्रीमियम कार्स के लिए अगर आपको टायर्स चाहिए तो उस हिसाब से आप बजट के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कंपनियों को चूज कर सकते हैं। बाकी देखिए आपको अच्छी क्वालिटी में जाना है, नो रोड नॉइज़, अच्छी कंफर्टेबल, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी फीचर्स, तो आप पहली कैटेगरी में जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है, वहीं आप थोड़ा सा उससे लो प्राइस में जाएंगे लेकिन जो क्वालिटी है वो भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगी, कंफर्टेबल टायर मिल जाएगा, एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और एक अच्छी ब्रेकिंग पावर और ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाएगी, और दूसरी आपकी वारंटी का भी इश्यू उसमें थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, तो आप सेकंड कैटेगरी में जा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो बजट टायर हैं, यानी आप का बजट कम है, आप अपना काम चलाना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम कार्स में भी ये टायर कंपनियों के टायर डलवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी ये प्रीमियम कार्स के लिए प्रीमियम टायर्स के बारे में थी। अगर इसमें आपको कोई चीज़ पूछनी है या कुछ जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।